आइए थोड़ी बात मर्जी की कर लेते हैं, क्योंकि अक्सर हमें अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना पड़ता है जहां हम कहते हैं अपनी मर्जी से, आपकी मर्जी से, उसकी मर्जी से, उन लोगों की मर्जी से। तो क्या आप जानते हैं जब आपको इस तरह के सेंटेंसेस बोलना हो जहां आप कहते हैं मर्जी से, तो कैसे बोलना है? इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप कहेंगे ऑफ माई ओन अकॉर्ड, ऑफ योर ओन अकॉर्ड, ऑफ आवर ओन अकॉर्ड, ऑफ हिज ओन अकॉर्ड, ऑफ हर ओन अकॉर्ड या ऑफ देयर ओन अकॉर्ड। यानी अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो आप अपनी मर्जी के लिए बोलेंगे ऑफ माई ओन अकॉर्ड। अगर आपका सब्जेक्ट यू है तो आप कहेंगे ऑफ योर ओन अकॉर्ड। अगर आपका सब्जेक्ट ही है तो आप कहेंगे ऑफ हिज ओन अकॉर्ड। अगर आपका सब्जेक्ट सी है तो आप कहेंगे ऑफ हर ओन अकॉर्ड। अगर आपका सब्जेक्ट वी है तो आप कहेंगे ऑफ आर ओन अकॉर्ड। अगर आपका सब्जेक्ट दे है तो आप कहेंगे ऑफ देयर ओन अकॉर्ड। कैसे? आइए इन सभी बातों को एग्जाम्पल्स में बेहतर तरीके से समझ। आप अपनी मर्जी से काम करते हैं तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू वर्क ऑफ योर ओन अकॉर्ड, यानी आप अपनी मर्जी से काम करते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट आपका था यू, इसलिए मैंने बोला ऑफ योर ओन अकॉर्ड। मैं अपनी मर्जी से काम नहीं करता हूँ, आई डोंट वर्क ऑफ माई ओन अकॉर्ड, यानी मैं अपनी मर्जी से काम नहीं करता हूँ। वह अपनी मर्जी से काम करता है, he works off his own accord। वह अपनी मर्जी से काम करती है, she works off her own accord। वे लोग अपनी मर्जी से काम करते हैं, they work off their own accord। हम लोग अपनी मर्जी से काम करते हैं, we work off our own accord। यानी हम लोग अपनी मर्जी से काम करते हैं। आइए फ्रेंड्स कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। मैं अपनी मर्जी से वहाँ नहीं जा सकता हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे I can't go there of my own accord। आप अपनी मर्जी से वहाँ नहीं जा सकते हैं, You can't go there of your own accord। वे लोग अपनी मर्जी से वहाँ नहीं जा सकते हैं, They can't go there of their own accord। हम लोग अपनी मर्जी से वहाँ नहीं जा सकते हैं, We can't go there of our own accord। वह अपनी मर्जी से वहाँ नहीं जा सकती है, She can't go there of her own accord। यानी वो अपनी मर्जी से वहाँ नहीं जा सकती है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि यह बात आपको शानदार तरीके से समझ में आया कि जब कभी भी आपको अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना हो जहाँ आप कहते हैं अपनी मर्जी से को बोलने के लिए इन सभी वर्ड्स का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। तो फ्रेंड्स अगर वाकई आपने इस कंसेप्ट को समझा तो क्या इस टॉपिक पर कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? यहाँ मैं आपको बता दूं कि ऐसे सैकड़ों टॉपिक जानने के लिए आप मेरे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।